नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बांदा के तिंदवारा ग्राम पंचायत का गौशाला की अव्यवस्थाएं। बांदा जिले में निरीक्षण में आए हुए विशेष सचिव कहना है कि एक भी गोवंश छुट्टा नहीं है, लेकिन आज एक्सीडेंट से एक गोवंश की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है। 13 जनवरी 2024 को नरेनी रोड मेडिकल कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन के द्वारा गोवंश को टक्कर मार दी गई, जिससे गोवंश की मौत हो गई। किसी राहगीर के द्वारा मीडिया टीम और हीरामन यादव को जानकारी दी और तुरंत हमारे संवाददाता हीरामन यादव पहुंचे। उन्होंने पुलिस विभाग को सूचना दी, मौके पर पुलिस विभाग की टीम पहुंची और नगर पालिका को सूचना दी गई। तुरंत नगर पालिका के टीम पहुंचकर जेसीबी के द्वारा गड्ढा खुदवाकर गौ माता का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करवाया गया। आगे जिला अध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों लखनऊ से विशेष सचिव गौशाला निरीक्षण में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि एक भी गोवंश सड़क पर अन्ना नहीं मिला, लेकिन आज ये गोवंश सड़क पर कैसे आ गया और उसकी मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश हैं विशेष सचिव को कि आप गौशाला को निरीक्षण करें। बबेरू और कमासिन ब्लॉक की गौशालाओं में प्रतिदिन गाय मर रही है। सचिव और प्रधान अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं। जिले में संचालित अधिकतर गौशालाओं की व्यवस्थाएं सही नहीं है। इंडिया न्यूज 28 के लिए संवाददाता हीरामन यादव की रिपोर्ट।